नमस्कार दोस्तों, आज सोशल सस्पेंस की इस बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में अगर लिटरेचर पढ़ें तो ऐसा लगता है जीवन बस यही है, और अगर समझने के लिए जाएं तो सब कुछ गोलमाल सा लगता है। वो है बायोचार। क्या होता है ये बायोचार, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ पुनीत अरोड़ा जी हैं, हमारे एक्सपर्ट। पुनीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज की बातचीत में। नमस्कार जी, थैंक यू, आपने हमें बुलाया। सर, ये बायोचार जो हमने सुनते हैं, इतनी सारी किताबें भी हैं, बहुत लिटरेचर भी है, क्या है ये बायोचार? देखिए, बायोचार है कुछ नहीं, एक कोयले की एक किस्म है जिसके अंदर बहुत सारी बेसिकली कार्बन है। तो ज्यादातर दुनिया में जो चीजें ऑर्गेनिक चीजें बनी हुई हैं वो कार्बन से बनी हुई हैं। तो वो एक कोयले जैसी एक चीज है और इसके बहुत सारे यूजेज हैं और इन यूजेस के कारण ही ये बहुत ज्यादा पहले वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हुआ। और इनफैक्ट बहुत सारे सिविलाइजेशंस, जो पुराने सिविलाइजेशंस हैं, इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और करंटली बाहर इंडिया में कई जगह ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये फिर भी इतना मतलब पॉपुलर नहीं है। तो ये इतना पॉपुलर हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? और जब आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या कारण है? देखिए, इसको पॉपुलर ना होने का कारण सबसे बड़ा ये एक कारण ये है कि लोग इसको डायरेक्टली लकड़ी से बनाने की कोशिश करते हैं और लकड़ी बहुत महंगी होती है। तो जी मेरा आर्गुमेंट ये है, ये इसके बारे में मुझे भी बहुत सालों से पता है, मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने गमलों में डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको कभी पहले ज्यादा बात नहीं करी इसकी। लेकिन अगर आप मेरी 3-4 साल पहले की वर्कशॉप सुनोगे तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि कोयला डालना चाहिए। जी जी तो उसका मेन कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि लोग कोयले को कोयला बनाने के लिए, ये क्योंकि एक तरह का कोयला है, बायोचार है, तो जी एक तरह का उसके लिए सच्ची में लोग पेड़ काटना शुरू कर दें और जो अच्छी वाली लकड़ है या उसको इस्तेमाल करके, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्योंकि ये अगर डायरेक्ट सोर्स, जो डायरेक्ट हमारी लकड़ी से बनाएंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो कोई आम इंसान इसको यूज नहीं कर सकता। जी तो आपकी नॉलेज में ऐसा है कि लोग ऐसा लकड़ी से बना रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं ट्रेडिशनली इंडिया में, और बाहर के लोग जिनके पास, जिनको समझ नहीं है कि ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल, स्वेटर स्वेटर गत्ते किसी चीज से भी बन सकता है जी जो वेस्ट मटेरियल होता है। और स्पेशली जो मेरा आर्गुमेंट है, मैं इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहा हूँ आज 2021 में, कि हमारे बहुत बड़े बड़े इंडिया में एसटीपी है ना, तो वो प्रोसेसिंग होती है उनकी, थोड़ी पार्शल प्रोसेसिंग होती है, और ह्यूमन स्लज जो है, बहुत सारा जो ह्यूमन स्लज जो है वो अभी भी बच जाता है उसमें। तो वो इतना ज्यादा बच जाता है कि उसको जब ये लोग सुखाते हैं, और ये कई किसानों को भी इनवाइट करते हैं कि आप ये इंसान से बनी हुई, इंसान के मलमूत्र से बनी हुई ये जो खाद है आप इस्तेमाल करो, अपने खेतों में डालो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हाँ, तो लेकिन वो इस ये भी पॉपुलर नहीं हो पाया और वो सारी एसटीपी वालों के लिए ये मुसीबत बन गया है स्लज। तो जी मेरा आर्गुमेंट ये है कि बायोचार उस स्लज से बनाई जाए, ऐसी चीजों से बनाई जाए जो बिल्कुल वेस्ट हैं, जैसे गत्ता, कागज, कुछ कपड़े जो वेस्ट हो गए हैं, जो बिल्कुल यूज नहीं हो सकते, या जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, जो 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 बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जिसकी खाद भी नहीं लोग बना पा रहे हैं, जी या जो इस तरह की चीजों से वो बनाया जाए, तो ये वाइबल है और तो ये यूजफुल है, और जी वही उसी से बनाना चाहिए एथिकली और मॉरली। डायरेक्ट जी आप लकड़ काट के बनाओगे तो वो सेंस नहीं बनती है, और इसीलिए लकड़ तो डायरेक्ट बहुत महंगी होती है, इसीलिए ये पॉपुलर नहीं हुआ। जी और ये तो आपने मुझे बताया कि जो बायोचार है बहुत यूजफुल है, और पॉपुलर ना होने की वजह भी हमने डिस्कस की, और आपने उसको बार बार नहीं बताया अपनी पॉडकास्ट में पहले, ताकि लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें। तो आप किस तरह से लेते हैं कि अगर अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, क्या होता देखिए, है इस्तेमाल इसका? बनाने के ऊपर, इसको बनाने के ऊपर तो अलग से हम पॉडकास्ट कर सकते हैं कि इसको बनाया कैसा जाए। जी पहले मैं इस पॉडकास्ट में यही बात करना चाहता हूँ, इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि बायोचार फ्रॉम वेस्ट, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम बहुत सारे काम करते हैं, तो मैं बायोचार फ्रॉम वेस्ट की बात करना चाहूंगा आज। जी और
इसके आगे एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं, जी तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा। और इसको बनाना कैसे है, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, थोड़ा उसमें मैनुअल टाइप मतलब स्टेप्स बताए होने चाहिए, तो उसका हम वीडियो भी बना सकते हैं और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं थोड़ा लेटर ऑन। जी 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 तो इसको बनाने की विधि तो आप दोबारा फिर हमसे डिस्कस करेंगे, तो इसके कुछ फायदे हमें बता सकते हैं, क्या क्या फायदे उसके? हाँ देखिए, सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि इसको इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला जो यूज है, क्योंकि मैं किचन गार्डनिंग सिखाता हूँ, किचन गार्डनिंग ट्रेनर हूँ, तो मैंने पहली बार इसके बारे तब सीखा था कि जब मुझे ये समझ आया कि इट इज अ वेरी गुड सॉयल कंडीशनर, या एक तरह का ये बायो फर्टिलाइजर है कि। और ये क्यों बायो फर्टिलाइजर इतना अच्छा है, क्योंकि ये इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जी और ये जितने भी हमारे कीटाणु हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। जी तो अगर हम चाहते हैं कि छोटे से हमने गमले में कुछ उगाया और उस गमले में करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में के हमारे कीटाणु आ जाएं, जो हमारे पौधे को मदद करें बड़ा होने में, जी तो हमारे को ये वाला बायोचार जो वेस्ट से बना हुआ है उसको ऐड करना चाहिए अपने सॉयल में, एज अमेंडमेंट, एज अ सॉयल कंडीशनर। दूसरा, गमले में इसलिए भी डालना चाहिए क्योंकि हमारे गमले में जब हम पानी डालते जाते हैं, बारिश डालते जाते हैं, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जी और ये गमले में भी नहीं और खेतों में भी ऐसे ही होता है, जी तो वो अगर आपने लीचिंग रोकनी है तो आपको सबसे पहले उसमें बायोचार डालना चाहिए। बायोचार डालने से ये लीचिंग रुक जाएगी और वहां पे माइक्रोब्स की जो रेशियो है पर इंच या छोटे क्यूबिक इंच में करोड़ों अरबों के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उससे इसलिए बेसिकली पर्पस है मेरा, जो मतलब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जी मेरे मुंह से ज्यादा, क्योंकि अर्बन किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसके बारे लगा है, लेकिन ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो ज्यादातर लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो वो मतलब लार्ज स्केल पे भी यूज कर रहे हैं, वो खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दूसरे नंबर पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि अगर बायोचार को एनिमल्स को खिलाया जाए, उनको एज अ सप्लीमेंट खिलाया जाए, तो जी एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और आप सोचिए, गाय को अगर आप ये बायोचार खिला रहे हो तो उसके गोबर में ये कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होगा, और वो गोबर को अगर आप इस्तेमाल करोगे खेतों में तो वही इफेक्ट होगा, आपके ज्यादा माइक्रोब्स बढ़ेंगे और स्पीड बढ़ेगी। और रिसर्च ये बताती है, हजारों साल पुरानी रिसर्च बताती है, सिविलाइजेशन बताती है, जो अमेजोन में पनप रही थी ऐसी सिविलाइजेशन, जी वहां पे साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो बायोचार होता है ये मैन मेड है, एक तो कुदरती फॉरेस्ट फायर से नहीं बना हुआ वहां पे, और जी वहां पे लोगों ने इसको मिट्टी में डाला है, वहां पे लोग इसको फॉरेस्ट्री के लिए यूज करते थे, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए यूज करते थे, जी और उन्होंने कुछ ऐसा टेक्निक इससे सीख लिया था कि जो जंगल 10 सालों में तैयार होता है, बायोचार डालने से उसको 3-4 सालों में तैयार हो जाता है। जी और उसका भी लॉजिक यही है कि उसके अंदर, क्योंकि हम बायोचार डालते हैं, उसके अंदर माइक्रो होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे नैनो लेवल्स के होल्स होते हैं, जी और उसे जो हमारे माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो कीटाणु हैं, उनको रहने की जगह मिल जाती है और वो आसपास जाके अपना खाना खा सकते हैं। तो एक तरह की उनके लिए सिविलाइजेशन, माइक्रोब्स के लिए सिविलाइजेशन, एक कॉलोनी, एक एक ऐसा एरिया तैयार हो जाता है जहाँ पे उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो जी 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 ये दो मेन कारण हैं जिसके कारण मैं खुद इंट्रोड्यूस हुआ बायोचार के साथ आज से कुछ साल पहले। जी इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और भी यूज हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। जी सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो, क्योंकि ये कार्बन है और कार्बन में एक, आपने देखा होगा हमारे घर में आरओ में भी कार्बन लगी होती है, बिल्कुल लगी वो होती फिल्टर, तो वो इसी मटेरियल से बनी होती है, बायोचार मटेरियल से ही बनी होती है। और उसका पर्पस क्या है कि वो एयर प्यूरिफाई कर सकती है, पानी प्यूरिफाई कर सकती है, तो इस तरह हम ग्रे वाटर को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, ब्लैक वाटर को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, जी हवा को प्यूरिफाई कर सकते हैं और डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, जहाँ पे मान लो कोई चटनी, सेब, संतरे को प्रोसेस करके, बायोमास को प्रोसेस करके कुछ चीजें बनाई जाती हैं, तो वहाँ फंगस लगने का, उरली लगने का बड़ा डर होता है, जी तो उनकी दीवारों पे अगर ये बायोमास लगाया जाए एज अ प्लास्टर, जी और इसका पेंट भी बनता है, इसका प्लास्टर भी बनता है और इसका पेंट भी बनता है, तो अगर वो पेंट अपने दीवारों पे लगाया जाए तो हवा आपकी हमेशा शुद्ध रहेगी, साफ जी सुथरी रहेगी, और साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। जी
ठीक है, तो बेसिकली इट कैन वर्क एज अ नैनो फिल्टर, इट कैन वर्क एज अ माइक्रो मैक्रो फिल्टर। जो हमारा धुआं होता है, जो किचन में से धुआं होता है, अगर उस एग्जॉस्ट के आगे भी लगा दें तो ये धुएं, मतलब जो उसके अंदर जो प्रदूषण है, जिसने टॉक्सिसिटी फैलानी है, वो वहीं फंस जाएगा, उस फिल्टर में फंस जाएगा, और काफी साफ हवा बीच में से बाहर निकलेगी। तो जी हवा को मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ कमर्शियल किचन है या कमर्शियल एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो रहा है कुछ ना जी कुछ, तो वहां पे लग सकता है। दूसरा, जी आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग चारकोल का फेस पैक बनाते हैं, तो वो काले रंग का फेस पैक लगाते हैं और चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल के नाम से वो फेस पैक बिकता है, वो इसी मटेरियल का बना होता है। तो मैं कह रहा था ना, बहुत ऑलरेडी फेमस है, जी तो वो इससे करते हैं, मतलब वो अपना फेस पैक बनाते हैं, तो उससे उनके जो स्किन है वो क्लीन हो जाती है, उसके पोर्स जो है वो साफ हो जाते हैं, स्किन ग्लो करना शुरू कर जाती है। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जी और बाजार में अगर केमिस्ट के पास जाओगे, यही चीज का एक्टिवेटेड कार्बन के नाम से ये बिकती है मेडिकली। जी और अगर इसको आप जैसे एनिमल फीड को, फीड में मैंने कहा, इसको एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, आप एज अ ह्यूमन बींग भी एज अ सप्लीमेंट इसको खा सकते हो। तो जी अगर स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए बहुत तेजी से, कि बहुत जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए हैं किसी कारण, आपके बॉडी में आपको लग रहा है कि शरीर आपका मेटल टॉक्सिसिटी है या कुछ इस तरह की टॉक्सिसिटी, आप जल्दी डिटॉक्स होना चाहते हो, तो जी आप इसको भी एज अ सप्लीमेंट ले सकते हो खाली पेट, और धीरे धीरे अपना शरीर बहुत जल्दी साफ कर सकते हो, डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। जी तो इसमें वेलनेस के भी बेनिफिट हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, लोग इसको प्लास्टर की तरह, पेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हो गए जो आर्टिस्ट लोग हैं, इसी चीज को यूज करके ड्राइंग भी बनाते हैं, जी इसकी इसी को यूज करके वो ये बनता है। बेसिकली क्या है, टेक्निकली कैसे बनता है, एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको लकड़ी को जलाया जाता है या बायोमास को जलाया जाता है, और इससे ये जो बच जाता है वो कार्बन, एक ऐसी कार्बन बच जाती है जिसको हम इन सब पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। जी बहुत सारे, अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, चारकोल साबुनों में भी डाला जा रहा है, क्योंकि साबुन में डालने से ये मदद करता है हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करने में। मैं यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा अरोड़ा साहब, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कि आपने जैसा बताया कि आप इसको अपनी जानकारी डिसेमिनेट करने से थोड़ा रोक रहे थे खुद को, ताकि हाँ लोग हाँ गलत इस्तेमाल ना करें, और हमारे थोड़ा सा ये इशू भी है कि कुछ पता लग जाता है तो उस तरफ लोग चल पड़ते हैं ना। हाँ 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 आप ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आपने कई प्रोडक्ट्स कह दिए, तो ये हाँ हाँ सारे प्रोडक्ट क्या आपकी जानकारी में है कि अभी जो करंटली एक्टिवेटेड चारकोल है या बायोचार है वो बन रहा है, क्या वो सारा लकड़ी से ही बन रहा है या ऐसी टेक्निक है कि स्लज को यूज करके बनाया जा रहा नहीं, स्लज को यूज करके मुझे नहीं लगता है कोई बना रहा है, है? लेकिन ऐसा है कि वेस्ट को यूज करके तो लोग बहुत यूजफुल चीजें बना रहे हैं। हमारे इंडिया में एक एंटरप्रेनर है, उन्होंने जूट बैग्स जो होते हैं, हमारी जो जूट बैग्स होते हैं या कपड़े होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल से भी उन्होंने बायोचार बनाया है। और क्योंकि वो टेक्निकली उन्होंने उसका कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना था, तो उसमें कैटलिस्ट यूज करके उसने इस बायोचार को ग्रेफाइन में कन्वर्ट कर दिया। हम ग्रेफाइन के ऊपर अलग से बात करेंगे, उसके अलग से कोई 40-50 तरह के यूजेस हैं। तो वो ग्रेफाइन बिकती है 1,000 रुपए किलो। तो आप देखो कि आप वेस्ट मटेरियल से आप 1,000 रुपए किलो की हिसाब से एक चीज बना रहे हो, लेकिन और अरोड़ा वो साहब हम ग्रेफाइन, ग्रेफाइन एक ऐसी चीज है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज हो रही है, सैटेलाइट इंडस्ट्री में यूज हो रही है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज हो रही है। तो वो भी वेस्ट मटेरियल से बन सकती है, लेकिन उसको, उसका मतलब आम इंसान नहीं बना सकता उसको, उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस चाहिए। तो मैं इसके लिए ज्यादा जो अपना फोकस है बात का, वो बायोचार पे रखूंगा, जो एक आम इंसान बना सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें ना, एक जो आप बातचीत जहाँ पे चलेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, तो एक हाँ प्रश्न बड़ा रेलेवेंट पूछता हूँ कि ये जो बायोचार आप बता रहे हैं, हाँ इसमें मुझे जो संभावना नजर आई कि जो स्लज आपने बताया उसका निपटारा हो सकता है, और स्लज हाँ वाकई में बहुत बड़ी समस्या आजकल बना हुआ है अर्बन एरियाज में हाँ स्पेशली। बिल्कुल, और एसटीपीज की हाँ जी है। बिल्कुल बिल्कुल, एसटीपीज कई बार इससे ब्लॉक तक हो जाते हैं, कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी पे चल जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस दौरान जो बायोचार आप कह रहे हैं, अगर लकड़ी से बनाया जाए या लकड़ी से बनाया जाए, तो कितना पोल्यूशन इस प्रोसेस में होता है, इसका बाय प्रोडक्ट कितना पोल्यूटिंग होता है? देखिए, इसको भी बनाने के लिए हमारे को आग लगानी पड़ेगी, जी और कुछ फ्यूल चाहिए होगा, फ्यूल वो लकड़ी ही होगा।
जी और नॉर्मली जो इसका प्रोसेस है बनाने में, जैसे मान लो 100 किलो लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो इसमें से कोई 30-35 किलो लकड़ी ही बायोचार में कन्वर्ट होती है। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लकड़ी, वो बायोमास, आप वेस्ट वैसे भी सड़कों पे गिरा हुआ है ना, वो ब्लॉक जी कर रहा है ना हमारी नालियों को, जी आप उसको इस्तेमाल करें ना, और वो फ्री में मिलेगा ना आपको। जी तो जी मैं जो आपके डंपिंग लैंडफिल्स हैं, जो आपका चंडीगढ़ में डड्डू माजरा है, वहां पे ये गंद पड़ा हुआ है, उसको आप वेस्ट, आपका उस वेस्ट को यूज करके बनाओ ना, जी जी उससे जी जी आपका वो खत्म होगा ना। तो आप ये आपकी बात से मैं ये समझा कि पोल्यूशन तो दोनों तरीके से है, लेकिन जो दूसरा तरीका आप बता रहे हैं उस तरीके से बहुत सारे पोल्यूशन का निपटारा भी है, और हाँ, उसमें अगर क्योंकि कंपैरेटिवली किया जाए तो पोल्यूशन कम भी है। हाँ, पता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसकी एग्रीकल्चर, अगर हम सिंपली अगर इसको सिर्फ एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करें, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करें, तो जिस जंगल को 10-12 साल लगने थे बड़ा होने में, तो उस जंगल को इसने 3 सालों में बड़ा कर देना है। तो जी आप देखो कि एक तो टाइम बचा, और उसने इसको दुगना तिगना बायोमास बना देना है। जी बायोमास का मतलब उसके जो पत्ते हैं, टहनियां हैं, तो जी वो 3 गुना बढ़ेंगी। तो हमारे पास ये बेस्ट कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी है, देखिए, और ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है हवा में से कार्बन रिमूव करने की, कार्बन जी डाइऑक्साइड रिमूव करने की। क्योंकि कार्बन को जब ये पेड़ पौधे इतनी तेजी से उगेंगे, तो वो पौधों को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होती है ना, पानी जी चाहिए जी होता है। जी 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 तो वो इसको लेंगे और उसके अंदर सख्त लकड़ी बनाएंगे वो, और वो जी मिट्टी में हमारे बिल्कुल स्टोर हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उग रही थी, फैली हुई थी, वो जी हमारी मिट्टी में जाके लॉक हो जाएगी। मुझे लगता है रोड़ा साहब आज की पॉडकास्ट में आपने हमें बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, बहुत सारे प्रश्न दे दिए हैं, बल्कि जो आगे की पॉडकास्ट में या वीडियो कास्ट में कभी मिलेंगे तो उसके अंदर हम कवर करेंगे। बिल्कुल पहला तो आपने हमें ये सोचने पे ही मजबूर कर दिया है कि इस पॉडकास्ट के साथ जब लोगों तक बात पहुंचेगी तो वो किस तरफ चलेंगे। तो सभी से हम निवेदन करते हैं कि जो लकड़ी जलाने वाला सिस्टम है ये ना करें, और हमारा कोई मकसद नहीं है इस पॉडकास्ट के जरिए कि लकड़ी को जलाने के लिए प्रेरित करें, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल उल्टा हम लोग चाहते हैं। दूसरा, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बायोचार के जरिए हम लोग स्लज का निपटारा कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी रिसर्च का विषय है। हमें जितना पता है हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और आने वाली पॉडकास्ट में हम अरोड़ा साहब से बातचीत करके ये और निकालने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से होगा, और कोशिश करेंगे। अरोड़ा साहब, एक आपसे निवेदन भी है इसके साथ हाँ जी, हाँ कि जी, आप कोई अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी इसका हमें बता सको, वीडियो में भी कर सको, ताकि हम हाँ इसका बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल, आने वाले दिनों में मैं करूंगा, और जी इनसे कुछ प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। जी इनसे सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो ये है कि आप सुनिए, आजकल देखिए कि हम रेडिएशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, जी तो जैसे 5G लॉन्च होने वाला है, तो अगर हमारे घर में रेडिएशन आ रही है, तो जी हमारे वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा उसका। जी और अगर आपके यहाँ, आपने अगर वाईफाई नहीं भी लगाया हुआ, तो आपके पड़ोस ने लगाया हुआ है, तो उसकी रेडिएशन आपको आ रही है। जी तो इस बायोचार की एक और एप्लीकेशन है कि आप रेडिएशन फ्री ईंटें बना सकते हो, रेडिएशन फ्री कमरा बना सकते हो। जी उसके लिए मतलब बेसिकली मिट्टी के अंदर इसी को कार्बन, ये जो बायोचार है उसी को मिलाना है, इसी का पेंट बना सकते हो, इसी का प्लास्टर बना सकते हो। तो एक ये बहुत अच्छा एक एरिया है, बिल्डिंग मटेरियल है, जिससे आप बहुत अच्छी चीजें बना सकते हो। और जी ये सारा बिल्कुल मतलब डायरेक्टली देखो, मैं जो बारे बता रहा हूँ, सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइज हो सकता है, कमर्शलाइज हो सकता है। आपको सिर्फ एसटीपी वालों से बात करनी है, ह्यूमन स्लज को यूज करना है, जो जी ऑलरेडी लैंडफिल्स में बायो जो वेस्ट है उसको यूज करना है, और आपके पास अच्छा सा सोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उसके। थोड़ा सा मैं इसकी जब वीडियो कास्ट हम लोग करेंगे उसके लिए बड़ा उत्सुक हूँ, और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें बताइएगा, हम बकायदा उसको रिकॉर्ड करके सबके सामने रखेंगे, और इस पॉडकास्ट जरूर को जिन जिस तक भी पहुंचेगी अगर उसका अपना कोई ऑब्जर्वेशन है वो हमें कुछ बताना जरूर, चाहता है इसके बारे में तो उनका बहुत स्वागत। बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल, साथ आपका भी बहुत धन्यवाद आज की पॉडकास्ट थैंक यू। थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू अरुण।